What's up everybody, this is Abhishek and you're watching AB's Vlog. Swagat hai aap sabhi ka, let's go. पता है बंदर की तरह दिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा दिनचर्या शुरू हो रहा है. दिनचर्या बोले तो गुड वाला मॉर्निंग. अभी टाइम हो रहा तो 10:02 हो चुका है और कुछ भाई खास प्लान नहीं है, कुछ छोटे मोटे प्लान से चलते हैं. पहले रेडी हो लेते हैं और बाहर की नॉइज़ आ रही है क्योंकि रोड पर मैं मतलब रोड पर घर ही है तो रोड पर गैलरी में हूँ मैं. जल्दी से रेडी होते हैं, फटाफट जो भी प्लान है आज का करते हैं, दिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहना है. ब्लॉगिंग भी करनी है, कंटेंट भी चाहिए भाई. यूट्यूब वाले फिर नाराज़ हो जाएंगे तो हमें कहेंगे तुम दफा हो जाओ, किसी काम के नहीं हो यूट्यूब पे. बुरा लग जाएगा हमें भी. तो जल्दी से रेडी होते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपको आगे. सो नहा धोवा के अपन रेडी हो गए हैं, ब्रश व्रश करके, ब्रेकफास्ट करके. और ये जो नहाने वाला कार्यक्रम है बीच में कभी कभी स्किप हो जाता है और बाल को जज मत करना क्योंकि नहाने के बाद ऐसी घटिया सही रहता है और वॉइस की क्वालिटी हो सकता है थोड़ी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा. अभी अपन जाएंगे मार्केट. मार्केट में क्यों तो हमारे इस यंत्र का कुछ लेना है क्योंकि इसमें 3.5 mm जैक नहीं है तो इसके लिए टाइप सी टू 3.5 mm जैक लेना है जिसकी वजह से मैं माइक नहीं यूज़ कर पाता हूँ इस फ़ोन में. चलते हैं लेते हैं पहले अपने वाहन. अपना सफ़र हुआ शुरू. केबल लेना था मार्केट से जाकर लेकर आ गया हूँ. उसके बाद अभी जा रहा बस नानी के घर. अभी फ्यूलिंग भी कराना होगा. बात नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, चेकिंग नहीं है. हाँ उस समय अभी नहीं है. और यहाँ पे चेकिंग चलते हुए पुलिस से भागो भैले भैया. जान है तो जान है, दूसरे रास्ता शॉर्टकट आजमाना पड़ेगा आप. अरे भैया तू ही घुस जाना. अब करेंगे ऑफ रोडिंग. चलो उधर चल लिया जाएगा. वहाँ पेट्रोल पंप है, वो आएगा. शॉर्टकट निकालते क्यों, अपने पास सब जुगाड़ है. बिहार है, बिहार में सब होता है, यहाँ सब जुगाड़ पे निकल जाते हैं. एक जगह चेकिंग चल रहा है तो दूसरे जगह से निकल जाओ. एक सासरंग हो ना तो फेमस एक जगह, चलो वो भी दिखा ही देते हैं आपको. जब इधर से आ ही रहे हैं तो ये क्यों बच्चे देख ही लो. तो ये है अपना रोजा. बाकी वापस ये तो पानी रोजा अपना. ऐसे बहुत से जगह पे हैं, मतलब एक ही है ये, बट एक ऐसा सूखा रोजा है और एक एक पानी रोजा भी है, दोनों अलग अलग हैं. ये वाला पानी रोजा तो अभी रास्ते में दिखा तो दिखा दी. कभी किसी दिन होगा तो सासाराम का टूर कराते हैं आपको सही ढंग से. मतलब यहाँ पे जितने भी मतलब अच्छी अच्छी जगह हैं उन सभी को. मधु यार गले में बहुत पेन हो रहा है, काट दिया. पता नहीं हो सकता आपको एयर ब्लास्ट आ रही हो, बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखा जाएगा. वैसे भी पहला मोटो व्लॉगिंग अपना और मधुमक्खी ने काट लिया, सब कचड़ा हो गया यहीं पे. गले में हो रही है दर्द, अब हो जाएगा बड़ा सा. और 4 दिन अब ब्लॉग नहीं आएगा क्योंकि जब तक ठीक नहीं होगा मैं तो ब्लॉग शूट करने जा रहा गंदा सा शक्ल लेके. फर्स्ट डे ये हाल है. अभी आगे ना बहुत बहुत मतलब सही सा मतलब एक लोकेशन है यार वहाँ पे. मतलब दोनों साइड ऐसे पेड़ है, बीच में से ऐसे रोड जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, मज़ा आता है वहाँ पे देखने लायक है. वो पड़ेगा रास्ते में, दिखाएंगे आपको. ये मेन GT रोड है, ऑफ रोडिंग है भैया यहाँ पे बिहार में हर रोड पे आपको हर चीज़ का मज़ा मिलेगा. ऐसे सिर्फ स्मूथ चलाते हो बोर हो जाओगे ना, तो इसलिए बीच में एडवेंचर डाला जाता है. और यहाँ पे लग गया है ट्रैफिक बहुत मुश्किलों उसको पार करने के बाद. अभी अपन खाली रोड पर, मौसम भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा धूप है बट इट्स ओके. सबसे बेस्ट वाला सीन मतलब यहाँ पे है, इस पल का इंतज़ार था हमें.
इतने दूर से आने का पता है मेन रीज़न बस यही है भाई, ये व्यू देखना होता है। देखो यहाँ पे ऐसे पेड़ है, पूरा सीनरी सा कितना अच्छा सा लग रहा है, हर जगह ऐसे रोड पे होते तो एक तो पोल्यूशन इधर कम होगा, विलेज का ना बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, ऐसे पोल्यूशन वगैरह कम होते हैं, ऐसे पेड़ की वजह से और लुक बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, देखने लायक होता है भाई। बट ये जितना सुबह में कूल सा लग रहा है, इतना प्यारा सा लग रहा है ना, रात को ही उतना ही डरावना लगता है, क्योंकि ऐसे पूरे अंधेरे हो जाते हैं और ये पेड़ों की वजह से कुछ आवाज़ हवा टकराते हैं तो बहुत अजीब से साउंड्स आते हैं। बाकी सुबह में तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा आज का। अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बताओ क्या मतलब वीडियोज में मतलब दिक्कत थी, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा ताकि कर सकूँ, आप बताओगे तो। एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे मैंने ये मोटो ब्लॉगिंग किया, आई डोंट नो कैसा होगा कैसा नहीं था, हो सकता है माइक वगैरह कोई प्रॉब्लम था, कुछ एयर ब्लास्ट वगैरह आ सकता है, बट नेक्स्ट टाइम से उसे ध्यान में रखते हुए ठीक कर दिया जाएगा। और अगर आप ये देख रहे हो तो आते टाइम मुझे मधुमक्खी ने किस कर दिया था और काफ़ी पेनफुल किस था, बट नेक किस मिला देखिए तुम्हारे भाई को। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता आपको अपने अगली वीडियो में, सी यू सून। I've been wanting something